माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू को दिल्ली भेजना चाहते हैं, उनको प्रधानमंत्री के रूप में हम लोग देखते हैं। मतलब सहमति हो पाएगी राहुल गांधी को भी, कांग्रेस जो है वो पीएम मटेरियल के रूप में देखती समय, है समय के अनुसार हर आदमी को समझौता करना पड़ता है। सबसे पहले हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारे नीतीश बाबू पहले वहाँ जाएंगे, उसके बाद फिर तेजस्वी जी रहेंगे, नहीं तो फिर दोनों चचा भतीजा साथ हैं ही। देवगौड़ा कैसे पीएम बन गए, माइनॉरिटी में रह के पीएम बने ना, तो क्यों नहीं नीतीश कुमार बन सकते हैं। तेजस्वी यादव बिहार में है, वो रहेंगे बिहार में, पूरा दम लगाएंगे नीतीश जी को, पूरा 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 दिल से। बिहार में चाचा भतीजा एक हो चुके हैं, महागठबंधन की सरकार चल रही है, मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, और ऐसे में राजद कार्यालय में एक बार फिर से रौनक जो है वो लौटी है। कार्यकर्ता यहाँ काफ़ी संख्या में पहुँच रहे हैं, बिहार राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को भी बधाई दे रहे हैं और तमाम राजद के नेताओं को भी। ऐसे में जो कार्यकर्ता यहाँ आए हैं और किस तरीके से इन तमाम कार्यकर्ताओं में खुशियों की लहर है, और खुशी बेशक इस बात की ज़रूर है क्योंकि एक लंबे समय के बाद सत्ता में फिर से राजद जो है वो लौटी है। कहाँ से आए सर? हम खगड़िया जिला से। कितना खुश हैं आप लोग सत्ता में आ गए बहुत सालों के बाद? सत्ता में जो आए हैं ये तो एक चैलेंजिंग है हम लोग के लिए, काम करना है जनता के लिए, इसमें खुश होने की क्या बात है। तो वाजिब मैंडेट जनता आदरणीय हमारे नेता तेजस्वी यादव जी को दिया ही था। अच्छा, ये तो जनता के भी सरकार नहीं ना बना पाए थे, कुछ सीटें कम थी तो सरकार नहीं बना पाए, एनडीए की सरकार बनी। अब जो सत्य की जीत होती है, सत्यमेव जयते, उसको आप देख रहे हैं, सरकार बनी है। अब जो हमारा एजेंडा है, चाचा का तो साथ लेना पड़ा ना। अब देखिए, बड़े सुलझे हुए नेता हैं नीतीश जी के बारे में जितना हम लोग कहेंगे वो कम ही होगा, बहुत अच्छे नेता हैं वो, जो कर रहे हैं उनके नेतृत्व में बिहार में जो सरकार बनी है उसमें हमारे भी नेता है आदरणीय तेजस्वी यादव जी हैं, और हमारे तेजस्वी यादव जी का और राष्ट्रीय जनता दल का जो एजेंडा है जी, जो सुनवाई कार्रवाई वाली सरकार है, जो मुख्य हमारा एजेंडा था बेरोजगारी, नौजवानों का, जो गरीबों का, वंचित शोषित पीड़ित तमाम लोगों के न्याय की बात है, उस पर काम होना शुरू हो गया है। हमारे नेता ने, आप देख रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी 4 नौकरी के बारे में बोला है, 10 लाख नहीं 20 लाख नौकरी देंगे। खुश हैं सत्ता में आ गए? आप लोग संघर्ष कर रहे थे, अब तो सत्ता में आ गए। हाँ हाँ, बहुत खुशी की बात है कि यहाँ हमारे यहाँ गरीब और दलित, बेरोजगार युवा सब खुशी की लहर में है, और गांव ग्राम से जितना खुशी आ रही है कि माननीय तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री बने हैं, और चुनाव के समय में जो घोषणा किए थे, अब हर एक गांव देहात के गरीब गुरबे में एक लहर फैल गई है, जो तेजस्वी जी को आने से तमाम लोगों में उम्मीद जगा है कि अब बिहार में काम होगा और शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, पढ़ाई, दवाई सब पर काम तेजस्वी जी करने का काम करेंगे, यही आम जनमानस की धारणा बन गई है। चाचा का साथ लेना पड़ा सत्ता में आने के लिए, दिल मिला है या फिर सत्ता में केवल आने के लिए एक साथ? दिल मिला है, चूँकि उनका पूर्व से भी दिल मिला हुआ था, किसी परिस्थिति कारण बहुत सारे होता है उसमें वो निकल गए थे, लेकिन आम लोगों की मानना है कि अब की बार जो आए हैं तो दिल से आए हैं और बिहार की विकास करने के लिए आए हैं। बीजेपी वाला जंगल राज की बात कर रहा है कि फिर से जंगल राज स्थापित हो जाएगा, चूँकि बीजेपी के लोग जंगल राज की बात करते हैं तो बीजेपी की लोग देख लिए हैं कि चूँकि अगर जंगल राज रहती तो सबसे बड़ी पार्टी RJD नहीं होती, चूँकि बीजेपी को भी पता है कि अगर जंगल राज रहता तो सबसे बड़ी पार्टी RJD है, और लोगों में उत्साह है कि बीजेपी ही जंगल राज की पार्टी है, कि पूरे देश को जंगल राज बना के छोड़ दिए हैं, उस प्रशासन तंत्र अपने हाथ में लेकर के और पूरे देश को जंगल राज बना दिए हैं। कितना खुश है भैया? बहुत बहुत खुशी की बात है, एक नई उम्मीद और आशा के साथ एक सरकार बनी है। रोजगार मिलेगा अभी युवाओं को? आपने देखा ही होगा, जैसे तेजस्वी यादव जी हमारे डिप्टी CM बने हैं, पहला घोषणा जो मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है वो 10 लाख रोजगार की घोषणा हुई, 10 लाख के साथ प्लस 10 लाख। घोषणा तो होती है मगर मिलता कहाँ है? मिल जाएगा बिल्कुल निश्चित तौर पर, समय का इंतजार कीजिए जी। मैं खगड़िया से आया हूँ। अच्छा,
अच्छा खगड़िया से आए हैं। अच्छा चाचा भतीजा का जो दिल मिला है वो दिल मिला है या फिर सत्ता में आने के लिए समझौता है? देखिए चाचा भतीजा का दिल बिल्कुल ग्राउंड स्तर पर मिला है, धरातल पर हम लोग मिले हैं। ये आम लोगों, चूँकि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के हैं, अलौली बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, वहाँ से हम लोग आए हैं और वहाँ की बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि आम लोगों में बहुत खुशी है, लोगों को उम्मीद है कि जो सरकार बनी है निश्चित तौर पर बेरोजगारों को इससे बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। 24 में बात किया जा रहा है कि नीतीश कुमार जो हैं वो पीएम मटेरियल होंगे, आगे उनका फेस क्या जाएगा? निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति को अगर आप देखेंगे तो नीतीश जी इतने सुलझे हुए बहुत कम राजनेता हैं। नीतीश जी को आगे करके तेजस्वी जी को बिहार के सीएम के चेयर पे बैठाना? तेजस्वी जी को तो बिहार के लोगों ने मैंडेट दिया ही था, किसी कारणवश कुछ पीछे हम लोग रह गए, फिर भी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरे हैं। इसकी तो दिखाता है कि हमें मैंडेट मिला था। कितना खुश हैं? बहुत खुश हैं, बहुत सारा लोग, पूरे बिहार की जनता खुश है। सरकार से क्या उम्मीद है? बहुत बड़ी उम्मीद है और खड़े उतरेंगे उम्मीद पर। क्या उम्मीद क्या है? उम्मीद है जनता को, जैसे महंगाई की मार पड़ रही थी वो कम होगी, नौकरी की बात हो रही थी वो नौकरी मिलेगी और बिहार में विकास ही विकास होगा। अच्छा तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद पर हैं, क्योंकि 24 में जो बातें आ रही हैं कि नीतीश कुमार को आगे किया जाएगा, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के चेयर के लिए आगे बढ़ेंगे, क्या ये संभव है? क्योंकि कांग्रेस के लिए तैयार नहीं होगी या होगी? ये तो माननीय तेजस्वी जी बताएंगे और नीतीश जी और कांग्रेस, हम सब जितने भी गठबंधन के लोग हैं एक साथ बैठेंगे, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। 2024 में नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री चेयर जो है वो तेजस्वी यादव को सौंपना चाहिए? सौंपना चाहिए। आप कहाँ से हैं सर? जी मैं अलौली, मधुपुर मेरा घर हुआ, अलौली प्रखंड, विधानसभा भी मेरा अलौली है, खगड़िया जिला से आया हूँ। लंबे वक्त के बाद आप लोग सत्ता में आए हैं, राजद कार्यालय, कितने खुश हैं पहले ये? हम लोग शुरू में भी खुश थे, सरकार में नहीं थे तो भी हम लोग खुश थे, आज भी उतना ही खुश हैं। हाँ, उम्मीदें क्या हैं? उम्मीद है कि हमारी सरकार जो है मिल के जो बनी है, नीतीश जी और जयसी जी दोनों मिल के बिहार का विकास करेंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे, जो उन्होंने वादा किया है। माननीय नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री और तेजस्वी जी दोनों मिलके आपस में बैठ के बातचीत उन लोगों का चल रहा है, पूरी सरकार से जितने हम लोग मंत्रिमंडल में हैं जितने लोग सबसे बातचीत चल रहा है, विकास के लिए हमेशा काम करेंगे, करते आ रहे हैं, करेंगे और करते रहेंगे भी आगे भी। 25 में हम लोगों को जो लक्ष्य है कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू को दिल्ली भेजना चाहते हैं, उनको प्रधानमंत्री के रूप में हम लोग देखते हैं। तेजस्वी यादव बिहार में हैं, वो रहेंगे बिहार में मुख्यमंत्री के लिए के रूप में तेजस्वी यादव को देखते हैं। हाँ, उनको सब आदमी देख रहे हैं और सबसे पहले हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारे नीतीश बाबू पहले वहाँ जाएंगे, उसके बाद फिर तेजस्वी जी रहेंगे, नहीं तो फिर दोनों चचा भतीजा साथ हैं, साथ मिलजुल के चल ही रहे हैं, यहाँ और दिल्ली दोनों जगह हम लोग मिलजुल के काम करेंगे जी। तो आपने सुना बिहार और देश की राजधानी दिल्ली, चाचा केंद्र की राजनीति करेंगे और जो भतीजा हैं वो बिहार की राजनीति करेंगे, और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो उत्साहित दिख रहे हैं, राजद कार्यालय में फिर वही रौनक देखने के लिए मिल रही है और तमाम लोग जो हैं वो राजद कार्यालय पहुंच रहे हैं, फेस पर चमक है, मुस्कान है, कितना खुश हैं, कितना उत्साहित हैं एक लंबे संघर्ष के बाद, कई सालों के बाद सत्ता में आए। बहुत ज़्यादा खुशी है कि लंबे समय के बाद हम लोग को सत्ता मिला है और हम लोग शुभकामना करते हैं कि ये सत्ता जो है भविष्य में काफ़ी अच्छा काम करे, जिससे कि ये 2025 के चुनाव में, 24 के चुनाव में भी हमें सफलता मिले। अभी की जो उम्मीदें क्या हैं सरकार से अब आप लोग? बहुत ज़्यादा अच्छी उपलब्धि की उम्मीद है। अच्छा, चाचा भतीजा का दिल मिला है या समझौता हुआ सत्ता में आने का? दिल मिला है। दिल मिला है। 24 और 25 को लेकर के काफ़ी चर्चाएँ तेज हैं कि 2024 में नीतीश कुमार जी को पीएम के रूप में पोजेक्ट किया जाएगा आगे के लिए, और 25 में तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री के चेयर पर बैठाने की रणनीति जो है वो तय की जा रही है, क्या ये संभव हो पाएगा? असंभव कुछ नहीं होता है, संभव जो यूपीए की जो अगर पूरे इंडिया के लेवल पर यूपीए एक में एकजुटता आ जाए तो कुछ भी संभव है।
कांग्रेस इसमें सहमत होगा आपको लगता है? इसीलिए कह रहे कि यूपीए के मतलब कि कांग्रेस इसमें इंक्लूडेड है। कांग्रेस अगर इंक्लूड हो जाए, राहुल गांधी भी तो हैं। अब तो राहुल गांधी है तो उसको देना पड़ेगा ना, उसको अपने उसी में लेना पड़ेगा खेमा में ना। मतलब सहमति हो पाएगी? राहुल गांधी को भी कांग्रेस जो है वो पीएम मटेरियल के रूप में देखती है। समय के अनुसार हर आदमी को समझौता करना पड़ता है। राहुल गांधी ने बहुत बार ट्राई करके देख लिए कि अकेले उनसे वो संभव नहीं। अगर यूपीए में सब मिल जाते हैं, अगर कैसे बन गया था वो देवगौड़ा कैसे पीएम बन गए, माइनॉरिटी में रह के पीएम बने ना, तो क्यों नहीं नीतीश कुमार बन सकते हैं? अगर सब लोग चाह ले कि नीतीश कुमार में को ही बनाया जाए, कांग्रेस भी चाहे तो कोई चीज़ असंभव नहीं। तो आप लोग पूरा दम लगाएंगे नीतीश जी को? पूरा 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 दिल से, दिल से। हाँ तो आपने सुना, तमाम कार्यकर्ताओं में उत्साह है, उम्मीद है कि बिहार में विकास की रफ्तार तेज होगी और युवा तेजस्वी यादव जो कि बिहार के डिप्टी सीएम हैं और साथ में चाचा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जो बिहार का विकास का दर है उसे तेज़ किया जाएगा। खैर लाइव सीरीज़ के साथ बने रहें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।